एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो वेलकम है आप सबका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, नाइट का टाइम है ये, और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी किचन जो कि इतनी गंदी हो गई है। अभी खाना पीना हमने खा लिया है, तो नाइट में फ्रेंड्स मैं रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ में किचन क्लीनिंग टास्क। तो मुझे ना कमेंट आया था कि आप ना 30 मिनट में किचन क्लीनिंग टास्क करके दिखाइए, तो मैंने कोशिश तो बहुत करी है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि मैं 30 मिनट में कर पाऊँगी या नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा टास्क हो गया स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए मैंने बर्तन वो सारे सिंक में रख दिए हैं, ग्लास वगैरह जो भी थे। उसके बाद देखिए हस्बैंड जी लेके आए वेजिटेबल, तो इनको मैं वॉश करके रख दूँगी। टमाटर को और प्याज तो खैर वॉश नहीं होती है, प्याज को मैं ऐसे ही रख दूँगी। और टमाटर ना फ्रेंड्स महंगे तो इतने ज़्यादा हैं, पर अच्छे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब पीले पीले से आ रहे हैं और थोड़े दबे दबे से आ रहे हैं। तो मतलब महंगे इतने, ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है, तो बड़ा गुस्सा सा भी आ रहा था। तो यहाँ बस देखिए मैंने वॉश करके रख दिए हैं टमाटर को। और सॉरी फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट पूरी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, क्योंकि अभी आपको पता है फेस्टिवल भी चल रहे हैं और घर की साफ़ सफाई चल रही है, तो इस वजह से ना मैं कर नहीं पा रही थी और व्लॉग भी ना मैं डाल नहीं पा रही थी। व्लॉग तो शूट कर लिया था मैंने, पर एडिटिंग नहीं हो पा रही थी मेरे से। तो अभी मेरा 3 से 4 दिन में व्लॉग ये जाएगा, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, जितना मैं सोचती हूँ कंटिन्यू रहूँ उतना ही मैं पीछे हो जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, तो हारों के बाद कंटिन्यू रहूँगी। तो यहाँ बस देखिए दाल बनाई थी मैंने, तो वो थोड़ी सी बच गई है, उसको भी मैंने बाउल में करके रख दिया, फ्रिज में रख दूँगी ताकि गैस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ। और किचन ना सच में फ्रेंड जब नीट एंड क्लीन होती है बहुत ही अच्छी लगती है, काम करने का ही मन करता है और एक पॉजिटिविटी भी आती है, सच में बड़ा अच्छा सा लगता है जब किचन को देखो ना साफ़ सुथरी, तो मतलब और काम करने का मन करता है। गंदी से देखो ना तो मन भी नहीं करता कि काम करो। तो यहाँ बस देखिए मैं अच्छे से अपनी गैस को क्लीन कर दूँगी पहले कपड़े की सहायता से। और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में बताना कि आपको मेरा मतलब ये टास्क कैसा लगा किचन क्लीनिंग का, और कमेंट में बताना। प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करिए आप इस वीडियो को। फ्रेंड्स मैंने डस्टर को एक बार वॉश कर लिया अच्छे से, और उसके बाद दोबारा से क्लीनिंग कर दिया गैस की, और काउंटर टॉप भी अपना क्लीन कर दिया, टाइल्स भी क्लीन कर दिया, क्योंकि जहाँ पे ना फ्रेंड हम खाना बनाते हैं तो ऑयल वगैरह मतलब कि छींटे पड़ जाती हैं टाइल्स पे, तो उसे साथ साथ क्लीन कर देना तो उससे हमारा काम भी नहीं बढ़ता और हमें आसानी भी होती है, क्योंकि अगर हम मतलब साथ साथ नहीं साफ़ करेंगे ना तो फिर जमता रहेगा जमता रहेगा, उसकी वजह से हमें फिर ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा हम अपने रूटीन में साथ साथ इसको साफ़ करते रहें ना, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। तो यहाँ देखिए अच्छे से मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है और गैस भी मैंने क्लीन कर दिया। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स बर्तन वॉश करने की। तो यहाँ पे देखिए बर्तन आप देख सकते हैं कितने सारे हो गए हैं, और घर पे ना अभी कुछ देर पहले गेस्ट आ गए थे तो ग्लास वगैरह भी हो गए थे पानी के, तो थोड़ी देर के लिए आए थे फ्रेंड्स, बाकी उन्होंने चाय पानी तो नहीं पिया था, बस पानी पानी पिया था, फिर वो चले गए थे खड़े खड़े। तो यहाँ पे बस देखिए सबसे पहले मैं करूँगी बर्तन वॉश और उसके बाद अपनी सिंक और क्लीन। तो मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने कितने मिनट में टास्क कंप्लीट करा है या नहीं किया, आप बने रहिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरे बर्तन हो गए हैं अच्छे से वॉश, और अब मेरी बारी आएगी सिंक क्लीन करने की। तो सिंक को भी मैं अच्छे से नीड और क्लीन करूँगी और दिखाऊंगी आपको कि मैंने कितने मिनट में टास्क कंप्लीट किया है। वैसे मतलब अच्छा तो लगा मुझे ये वाला व्लॉग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा शूट करने में भी और एडिटिंग करने में भी अच्छा लगा था, क्योंकि ओनली टास्क मतलब किचन क्लीनिंग का ही टास्क था, ज़्यादा बड़ी नहीं वीडियो नहीं थी, तो आसानी से हो गया था। तो 30 मिनट की वीडियो तो फ्रेंड्स मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि 30 मिनट का टास्क था और मुझे लगा शायद मैंने उससे पहले ही कर लिया है, तो 25 मिनट में शायद मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। पर वीडियो तो थोड़ी सी मुझे मतलब कि थोड़ा सा फास्ट करना पड़ जाता है, नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और 25 मिनट की वीडियो तो खैर अभी कोई देखेगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, अभी छोटी सी यूट्यूबर हूँ अभी।
अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो फ्रेंड्स क्या पता बड़ी भी बन सकूँ। तो प्लीज़ आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं ऐसे ही आपके टास्क कंप्लीट करती रहूँ, आपके कमेंट हैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करती रहूँ। तो यहाँ बस देखिए मैंने सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और जो मेरा किचन का डस्टर है उसको भी अच्छे से वॉश कर दूँगी, क्योंकि मेरी ना आदत है फ्रेंड्स किचन के डस्टर को ना साबुन वगैरह से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ अजीब सा स्मेल आ रही है तो मैं जब भी कर देती हूँ, पर अभी ना आज मैंने फ्रेंड्स ये इवनिंग में ही किया था इसलिए मैंने अभी दोबारा से साबुन से साफ नहीं किया है। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि आपने मेरे यहाँ पे किचन में देखा है टाइड साबुन है वो मैं रखती हूँ डस्टर वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने हैंड वॉश ले लिया है और हाथ भी अच्छे से वॉश कर लिया। हैंड वॉश की ना बोतल मैंने चेंज कर दी है क्योंकि है ना ये थोड़ी सी मतलब पुरानी हो गई थी, वो वाली मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने चेंज करके अभी दूसरी रख दी है। तो यहाँ बस देखिए अच्छे से मैंने वाइपर भी चला दिया है किचन में ताकि पानी वगैरह जो भी हो अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं एक सूखा जो कपड़ा होता है ना वो भी अपनी पूरी किचन काउंटर टॉप पे मार देती हूँ अच्छे से, ताकि जो भी जरा मरा सा ही पानी रह जाता है थोड़ा बहुत भी वाइपर से भी, तो वो ना सूखे डस्टर से साफ़ करो तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरी हो गई है किचन चकाचक, चमक गई है पूरी तरह से और सिंक भी मैंने देखे अच्छे से क्लीन कर दिया है अपना। तो मुझे ना काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप किचन क्लीनिंग टास्क करिए, तो मैंने सोचा चलो आप नाइट में ही कर देती हूँ आज। और मेरी किचन का हाल आप देख सकते थे कितना बुरा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी मेरी किचन और घर पे ना कोई आ गया था तो पानी के गिलास भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बस फटाफट से देखिए मैं लग गई अपने काम पे और फटाफट मैंने किचन को निपटा दिया है और इस काम को करने में सिर्फ मुझे लगे हैं 30 मिनट। ओनली 30 मिनट के अंदर मैंने अपनी किचन को चमका दिया है फटाफट से। तो फ्रेंड्स कमेंट में बताना कि आपको आज की मेरी क्लीनिंग की वीडियो कैसी लगी है, जो कि मेरे को रिक्वेस्टेड आई थी कि आप प्लीज़ किचन क्लीनिंग टास्क करिए। उन्होंने मेरे को टास्क दिया था 30 मिनट का कि आप 30 मिनट में टास्क कंप्लीट करना, और 30 मिनट से पहले ही मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है तो आई एम सो हैप्पी। और वैसे मुझे पता था कि मैं कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता और वैसे भी ना हमारी आदत पड़ जाती है किचन में जब हम काम करते हैं तो एक हाउस वाइफ को पता होता है कि मुझे कितना टाइम लग जाएगा इतनी किचन को समेटने में। तो यहाँ देखिए मेरा सारा काम हो गया है और किचन मेरी इतनी बुरी हो रही थी, इतनी गंदी वाली हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल चकाचक हो गई है बहुत ज़्यादा। और चलिए फ्रेंड्स तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।